हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर रूस से है, जिसने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप दाइश की मदद कर रहा है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि हमारे पास ठोस जानकारी है जो इस नतीजे को मुमकिन कर देती है कि अमेरिका अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप दाइश की मदद कर रहा है। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मारिया ज़ाखारोवा से जब ये पूछा गया कि क्या वो इस सिलसिले में जानकारी दे सकेंगी कि अमेरिका दाइश की मदद कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इन हकीकतों को हमने बार बार दोहराया है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन ने जोर देकर कहा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत है जिनसे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अमेरिका दाइश के एजेंटों और लोगों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के पास पहले जो जानकारियाँ थीं उसे वो सार्वजनिक कर चुका है और यूनाइटेड नेशन समेत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों खासतौर से नॉर्थ में दाइश के लोग एक्टिव हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर बिना किसी पहचान के उड़ते हैं और ज़ख्मियों और मरने वालों की डेड बॉडीज़ को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। इसकी पूरी जानकारी रूस को है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाई इलाके पर अमरीकी और नेटो फौजियों का पूरा कंट्रोल है और इसलिए ये कार्रवाई उनकी जानकारी के बिना मुमकिन नहीं है। आपको बता दूं कि रूस ने अब से पहले भी कई बार ये दावा किया है कि अफगानिस्तान के नॉर्थ के इलाके में बिना पहचान के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखे गए हैं। अगस्त 2018 में रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान और दाइश को हथियारों की सप्लाई करने वाले हेलीकॉप्टरों की उड़ान दर्ज की थी। अब से पहले इराक में भी अमेरिका के जरिए टेररिस्ट ग्रुप दाइश को हथियार पहुंचाने की खबरें आ चुकी हैं। दिसंबर 2014 में ईरान के प्रेस टीवी ने बताया था कि इराक में दाइश के कब्जे वाले इलाके में अमेरिकी जहाज़ों ने हथियारों की खेप गिराई है। जहाज़ों के जरिए गिराए गए उन हथियारों की वीडियो और फोटो भी सामने आ चुकी हैं। अब भी इराक और सीरिया का कहना है कि इन दोनों मुल्कों में दाइश टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के बहाने मौजूद अमरीकी फ़ौज हकीकत में टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद करती है। जहां जहां अमरीकी फ़ौजी छावनियां हैं, उन्हीं इलाकों के आसपास ही इन मुल्कों में टेररिस्ट हमले ज़्यादा होते हैं। आपको बता दूं कि जुलाई 2020 में अमेरिका ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों को अमरीकी फ़ौजियों के मारने पर इनाम देता है। आखिर में आप बताइए कि अमेरिका के अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में टेररिस्ट को मदद के सबूतों के बाद भी क्या उसके किसी भी बयान पर यकीन किया जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।